सिंध पुलिस के 18 अफसरान को घरों की तजीनों आराइश के मद में 1,80,000 जैसे किए जा रहे हैं। नैब ने पुलिस अफसरान को नकद रकम जारी होने की तहकीकात भी शुरू कर दी। आसिफ महमूद से जानते हैं, आसिफ इस मामले में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब ने इल्वार की तफ्तीश का आगाज कर दिया है कि सिंध पुलिस के मजमू तौर पर 18 अफसरान हैं, जिसमें एक एडिशनल आईजी है, 7 डीआईजी हैं, इसी तरह 4 एसएसपी और 6 एसपी हजरात हैं। इन तमाम अफराद को 10 लाख रुपए फी कैश रकम जो है वो जारी कर दी गई है, जिसके बारे में बताया गया कि जी वो अपने घरों की तजीनों आराइश करेंगे। नैब हुकाम का कहना है कि के मुताबिक कैश रकम जारी नहीं की जा सकती, टेंडर होता है सरकारी रकम का। दूसरी जानिब ये वो रकम है जो पुलिस क्वार्टर होते हैं, जिनमें सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान रहते हैं, ये उनकी तजीनों आराइश के पैसे थे। उनके जो पुलिस लाइंस हैं उनकी तामीर और तरक्की का पैसा था जो सरकारी अफसरान को कैश दिया गया है, जिसके अंदर एडिशनल आईजी कराची साबिक मौजूदा चेयरमैन एंटी करप्शन कादिर थेगो समेत 6 डीआईजी और दीगर हुक्काम, इन तमाम अफसरान को नायब हुक्काम ने नोटिस जारी करने का फैसला किया है और कल इन तमाम अफसरान को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और नायब ने इन तमाम अफसरान को तलब किया है। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आसिफ महमूद।